लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या बात है? आगे जाना मना है। गाड़ी में वरिष्ठ नेता मिश्रा जी बैठे हैं, मंदिर जाना है। हमें ऑर्डर्स मिले हैं, हम किसी को छोड़ नहीं सकते। क्या बात है राम सिंह, कुछ हो गया क्या? गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, हमें खबर मिली है कि अमरूश अपने आदमियों के साथ इन्हीं पहाड़ियों में छुपा हुआ है। अच्छा, इसीलिए हमने एरिया को सील कर दिया और तलाशी जारी है। सिविलियंस को आगे जाना मना है। ओहो, ये तो बड़ी समस्या हो गई। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि आज के दिन मैं शंकर बाबा को प्रसाद चढ़ाऊंगा, अब अगर नहीं गया तो नजदीक में तो है, बस मैं गया और आया। सॉरी सर, आगे जाने में खतरा है। आप लोगों के रहते हमको क्या खतरा हो सकता है? आप ऐसा करिए, अपने चार जवानों को मेरे साथ कर दीजिए, मैं बस प्रसाद चढ़ाऊंगा और आ जाऊंगा, आपके सीनियर से मैं बात करूंगा। ऑलराइट सर। सुबेदार साहब, आप इनके साथ गाड़ी में बैठ जाइए। कर्नल सिंह, चार आदमियों का एस्कॉर्ट लेकर इनके साथ चले जाओ। आप जानते हैं अबरूश कौन है? नहीं जानते? अगर जानते होते तो उसकी शर्तें मनवाने के लिए इतनी बहस नहीं करते। अबरूश ने 16 मुल्कों में 800 लोगों को मारा है। पिछले साल कश्मीर में उसने जो बम ब्लास्ट करवाया उसमें 60 जाने गई, हमारे 12 टॉप ऑफिसर्स मारे गए। अबरूश आज दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी है, जिसे हमारे जवानों ने इतनी मुश्किल से मस्तान वैली में घेरा हुआ है, और आप कह रहे हैं उसे फ्री पैसेज देकर हम जाने दें? नहीं सर, अगर मिश्रा जी मंदिर जाकर अबरूश के हाथों किडनैप नहीं होते तो अबरूश आज हमारी जेल में होता। आपके मिश्रा जी की वजह से वो हमें दबा रहा है। देखिए, अगर एक बार हम झुक गए तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। नहीं सर, ये बात नहीं है। मिनिस्टर साहब ने इमरजेंसी मीटिंग इसीलिए तो बुलवाई है कि हाँ, वो क्या है कि कमांडो ऑपरेशन के बजाय अगर आप कोई और सेफ तरीका अपनाएं तो। इनका मतलब है सर कि मिश्रा जी हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता है और जनता को हमें जवाब देना पड़ता है और हमें जान देनी पड़ती है। आपको सिर्फ मिश्रा जी की चिंता है, हमें पूरे देश की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर ये मामला जरा सा नाजुक है। मिशन फेल हो गया तो? हमारा मिशन फेल नहीं होगा। ऐसे नाजुक वक्त के लिए ही कमांडोज को तैयार किया जाता है। ये वक्त फिजूल बहस करने का नहीं है। हमारे जवान मौत के मुंह में कूदने जा रहे हैं एक ऐसे आदमी को बचाने के लिए जिसे वो जानते तक नहीं। मत भूलिए, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। इस वक्त हमें सिर्फ इस मिशन की कामयाबी की दुआ करनी चाहिए, नथिंग एल्स। हंटर हियर, कम इन, ओवर। अबरूश बोल रहा हूं, अपने सीओ को लाइन दो। सर, अबरूश आपके लिए। अबरूश, ये फ्रीक्वेंसी उसे कैसे मिली? हेलो, जुबान देकर मुकर गया। मिश्रा की जान के बदले बिना किसी रुकावट के मुझे सरहद पार जाने देने का वादा किया था तुमने, मगर अब तुमने अपने कमांडोज मेरे पीछे लगा दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? हमें सब मालूम है तुम्हारे कमांडोज कहां कहां उतर रहे हैं। देखो अबरूश, मैं अभी उन्हें। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाएंगे। अबरूश, अबरूश देखो। अबरूश को हमारे मिशन का पता कैसे चला? गेट मी एरो इमीडिएटली। कम इन एरो, कम इन एरो। अंडर कॉलिंग एरो, अंडर कॉलिंग एरो। ओवर। क्या हो रहा है? व्हाट द हेल इज हैपनिंग? Under calling arrow, over. Station calling arrow, your transmission is not clear, say again. Under calling arrow, over. Hunter, this is arrow, guide. Any instructions, over. Hunter here, abort the mission, over. What? Abort the mission, damn it. Dushman ko humare mission ka pata chal gaya hai. Turn back, over. Sab olak kude, over. Jo nahi kude, unhe roko, over. Stand by, red on. Stop. Ask the troopers not to jump. All right.
जय, दुश्मन को मिशन का पता चल गया है। Orders are not to jump. I'm sorry, it's too late. मेरे बॉस नीचे जा चुके हैं। I have to go. बस सीओ साहब को ऑर्डर कह देना, मैसेज बहुत लेट मिला। गुड लक। Hunter, this is Arrow. All troopers have jumped out. लेकिन तीन पैराशूट कंट्रोल करके आगे निकल गए, हम फॉलो कर रहे हैं। ढूंढ निकालो उन तीनों को और गाड़ दो बर्फ में। Don't move! मेजर, छोड़ मुझे, अपनी कीमत बोल कर पहुंच जाएगी। साले मेरी कीमत लगाता, मरते नहीं पहनी होती तो यहीं तुझे जिंदा दफना देता। यजा महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उरुबा रुक्मिउ बंधनान मृत्ये मुक्षय मामृतात। अब पंचमेवा और फल कहाँ है? क्या बात है पंडित जी, आप रुक क्यों गए? मैंने पहले ही कहा था ना, इस घर में शॉर्टकट वाली पूजा नहीं चलेगी। इतने सालों बाद मेरा बेटा घर लौट रहा है, मैं उसकी लंबी उम्र के लिए पूजा करवा रही हूँ। आप पूरी विधि से पूजा कीजिए। माँ जी, रुकावट के लिए खेद है, लेकिन हम फलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अंजलि ने तो कहा था कि सारा सामान आ गया है। अंजलि, आप भी अंजलि को ढूंढ रहे हैं? ये बटन निकल गया है, मैंने टाकने के लिए कहा था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये वर्दी पहनकर आप कहाँ जा रहे हैं? गायत्री,
तुम अपने बेटे के आने की खुशी में पूजा पाठ कर रही हो और मैं लेफ्टिनेंट जनरल राजवंश रिटायर्ड रिटायर्ड एक बहादुर सिपाही के स्वागत की तैयारी कर रहा हूं। अरे इतने बड़े मिशन से आ रहा है, कुछ भी हो सकता था, जान जा सकती थी। चुप चुप बोलिए, मैं उसकी लंबी उम्र के लिए पूजा करवा रही हूँ। सॉरी, लेकिन अंजलि कहाँ है? उसे तो हम सब ढूंढ रहे हैं। बेटा अंजलि, ओ अंजलि, अपनी बेटी को ढूंढते आ गया उसका बाप। मैं रुकिए जनरल साहब। अरे वाह, आज यूनिफॉर्म में। अरे मुझे कहते तो मैं भी यूनिफॉर्म पहन के आता। कैसी हो भाभी जी, पूजा कैसी हो रही है? भाभी जी पूजा बड़ी विस्तार से करती है आप। मुझे याद है ना, जब मैंने इन्हें बचाया था तब भी ऐसी पूजा की थी आप। तुमने मुझे बचाया था? फिर शुरू कर दी वही कहानी। अरे सच्चाई को कहानी क्यों कहते हो भाई, 4 मील कंधे पे लेकर दौड़ा था मैं। 4 मील? बढ़ा दे। अरे यही सच्चाई है, सब लोग जानते हैं, अखबारों में भी छपा था, फोटो के साथ। क्या फोटो? देखो ये हो भी सकता है कैसे? उस दिन प्लीज बंद कीजिए पुरानी कहानी, आप पूजा रुकी हुई है। अंजलि कहाँ है भाई साहब? बेटी तो मेरी है लेकिन रहती है इस घर में। कहाँ है अंजलि? अरे साल बाद तुम्हारी पोस्टिंग होम टाउन में हुई है और तुमने अभी तक अपने घर फोन नहीं किया। सर मैं करने वाला था सर, लेकिन तुम्हारे पिताजी का फोन आया था, पूछ रहे थे मैं अपने बेटे की शक्ल देख सकता हूँ। मैं क्या जवाब देता? मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा था सर। वो देखो, मैंने एक हफ्ते की छुट्टी सैंक्शन की है तुम्हारे लिए, सीधे अपने घर जाओ एंड हैव अ गुड टाइम विद द फैमिली। थैंक यू सर। जस्ट अ मिनट मेजर। यस सर। आपने इस मिशन में जो मुझे डिसओबे किया है वो भी इस रिपोर्ट में लिखा है ना? जी नहीं सर। क्यों? सर मैं, आप ही रिमार्क्स में लिख दीजिए सर। हाँ लेकिन नाफरमानी की वजह क्या लिखूं? सर आपने हमारी जान बचाने के लिए मिशन अबॉर्ट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन सर आपने हम पे भरोसा रखकर जुबान दी कि मिशन कामयाब होगा। मैं आपकी जुबान आपके भरोसे को कैसे टूटने देता सर? चुप जी। माइंड ब्लोइंग आपका डांस माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, आप हमारे टाउन के मेयर हैं। थैंक यू। अंजलि, 14 अगस्त की रात को एक बहुत बड़ा फंक्शन करने जा रहा हूँ, बिग शो, तुम्हें उसमें आइटम करना होगा। कैसा शो? यही ऑपरेशन विजय में हमारे जवानों ने जो कामयाबी दिखाई उनका सम्मान और आजादी की सालगिरह दोनों एक साथ। बड़े बड़े कलाकारों को ला रहा हूँ, लता जी भी आ रही। लता मंगेशकर। लता जी हमारे शहर में? यस, एंड यू विल शेयर द स्टेज विद हर, माइंड ब्लोइंग। Hi, beautiful. Hi, uncle. Hi, boyfriend. That's better. Dance बहुत अच्छा था। चलो, किसी को तो पसंद आया। मतलब, कोई गधा ही होगा जिसे पसंद नहीं आया होगा? हाँ, उसी को देख रही हूँ। आप कहें तो अभी परेड करवा दूं। परेड क्या? एक दिन कोर्ट मार्शल करा दूंगी उसका। अंजलि और उसका गुस्सा, जय तुम्हें खुदा बचाए। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट। हमारा शक सही निकला हुसैन। आर्मी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली है कि अबरूश को आईएसआई ने ही यहां भेजा था किसी टॉप लेवल मिशन पर।
घिर जाने के बाद उसका सेफ पैसेज मांगना भी एक धोखा था। दरअसल वो हमारे मुल्क के और अंदर घुस जाना चाहता था। उसका मिशन क्या था? जो भी था सर, लेकिन अब उसका मिशन हवा हो गया। अब तो साला हमारे कब्जे में है। नहीं राणा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मुल्क में कई गद्दार हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं और वो उसे छुड़ाने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, और उन्हीं में से कोई ना कोई हमारी यूनिट में भी है जिसने हमारे मिशन का सीक्रेट लीक किया है। हुसैन, बेस्ट ऑफिसर को ये केस सौंपो और जल्द से जल्द अबरूश का मुंह खुलवाओ। अगर कोई और हादसा हो गया तो पब्लिक का भरोसा हम पर से उड़ जाएगा। मिलिट्री की प्रेस्टिज दांव पर है, समझे? हाय अंकल। हेलो जय। अरे इतनी रात को ठंड में बाहर बैठे आप पार्टी में नहीं है अंकल? नहीं बेटा, आजकल पार्टी वार्टी में जाता नहीं मैं। जाना चाहिए अंकल। जय, सुना है पार्टी बड़ी बकवास थी। क्या? हाँ, कुछ अजीब किस्म के लोग आए हुए थे वहाँ। किसने कहा आपको? भाई अंजलि कह रही थी, इसलिए तो जल्दी आ गई वो। तुम इतनी देर वहाँ क्या कर रहे थे? नहीं नहीं अंकल, पार्टी तो बहुत अच्छी थी और अच्छे अच्छे लोग आए थे वहाँ। कमाल है, तुम कुछ कहते हो वो कुछ कहती है। अंजलि अंदर है ना? हाँ अंदर है। पार्टी अच्छी थी अंकल। अंजलि, हंस क्या रहे हो? मूंछ के साथ साथ पूंछ भी लगा देनी चाहिए थी। बंदर कहीं की। ये सब क्या है? क्या बना रखा है? जब तुम यहाँ से गए थे तुम्हारी मूंछे नहीं थी, बैठे बैठे सोच रही थी कैसी होंगी, इसलिए मैंने ये कार्टून बना दिए। इनसे तो बेटर है, थैंक यू। अच्छे अच्छे, लेकिन ये तो बता तू कैसी है? आई एम फाइन, फर्स्ट क्लास। अरे फर्स्ट क्लास की बच्ची, इतने दिनों के बाद आया और तू मुझे मिलने भी नहीं आई। मैं तुम्हें मिलने नहीं आई? और नहीं तो क्या? हेडक्वार्टर्स पहुंच गई थी मैं तुम्हारे, फूल लेकर आई थी तुमसे मिलने के लिए। तुम आई थी? और नहीं तो क्या, तुम्हें आवाज दे दे के मेरा गला सूख गया। और तुम थे कि उस क्राउड में हीरो बन गए थे, यहाँ हाथ हिला रहे थे यू। हंसो मत। और जब मैं पार्टी में आई तो मुझसे बात करने की बजाय उस लड़की के साथ गोल 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 डांस कर रहे थे। कौन? अच्छा पूजा, जनरल मलप्पा की बेटी होगी किसी गोलगप्पा की बेटी। मैं क्या करूँ, तुम ही उसको सर पे उठा के डांस करो। मेरी छोड़, पार्टी में सारी लाइमलाइट तो तुमने ले ली थी, वहाँ एक ही सुर में सिर्फ तुम्हारी तारीफ हो रही थी। क्या? यही कि अंजलि बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा नाचती है। उन्हें छोड़ो, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा, गाना भी और डांस भी। और मैं? सामने आओ तो बताता हूँ। जल्दी बता। डैड बुला रहे हैं। कल मिलता हूँ, बाय। सिर्फ कल नहीं, पूरे 7 दिन तक मिलेंगे। 7 दिन? मुझे पता चल गया है कि तुम्हें 7 दिन की छुट्टियां हैं, तो मैंने 7 दिन का प्रोग्राम बना लिया है। और अगर जरा भी चालाकी की ना मेजर साहब, तो कोर्ट मार्शल करा दूंगी। पगली कहेंगी, बाय। और हाँ, तुम सुंदर हो। क्या बात है अंजलि, ये कहाँ की तैयारी है? मैं और जय पिकनिक जा रहे हैं। अच्छा, और जय ने मुझे बताया ही नहीं। वो तो जय को भी नहीं पता, सारा प्रोग्राम मैंने बनाया है। मुझे पता चल गया था कि जय को 7 दिन की छुट्टी मिली है, तो मैंने सारा प्लान बना लिया। हम लोग बोटिंग करेंगे, ट्रेकिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। अच्छा, बहुत मजा करेंगे हम लोग 7 दिन तक। मर गया, कुछ करना पड़ेगा। जय, जल्दी करो, जय देर हो रही है। आंटी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब से जय आया है कुछ बदल गया है, भाव खाता है? डोंट वरी, मेरा नाम भी अंजलि है, 2 दिन में उसे जमीन पे उतार लूंगी। अच्छा माँ, अरे अंजलि तुम ये वर्दी पहनकर कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? हाँ। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारी छुट्टियाँ हैं। छुट्टियाँ हैं माँ, छुट्टियाँ, लेकिन कल से, आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो कर्नल नहीं, 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 तुम वहाँ फोन करके कह दो तुम आज नहीं आ सकते। पूरी तैयारी कर ली पिकनिक की अंजलि ने, देखो तो
माँ मैं आपको समझता हूँ, मैं अंजलि को भी समझता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं। आर्मी में लोग बड़े पत्थर दिल होते हैं। क्या कहा? मैंने समझा रहा था कि आर्मी में कभी कभी दिल पर पत्थर रखकर काम करना पड़ता है। दिल पर पत्थर नहीं, दिल लगाकर काम करो। ड्यूटी फर्स्ट, गो। चलता हूँ माँ। अंजलि फिर कभी।